क्वेश्चन नंबर 30, द इक्वेशंस ऑफ द लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,0 एंड एट अ डिस्टेंस √3/2 फ्रॉम द ओरिजिन आर। यहाँ आपसे ये बोल रहे हैं कि आपको इक्वेशंस ऑफ लाइन्स, और ये लाइन्स कहाँ से पास हो रही है, आपके पॉइंट 1,0 से। इस तरह की भी हो सकती है, इस तरह की भी हो सकती है। तो इनकी इक्वेशन निकालना है अगर इनका डिस्टेंस ओरिजिन से √3/2 है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस √3/2 है और ये है, तो इसके लिए ऐसा कुछ। ये आपका क्वेश्चन है। अब हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर कि आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि ये जो लाइन है हो सकता है एकदम स्ट्रेट जाए, पैरेलल टू वाई एक्सिस भी हो सकती थी। अगर ऐसा होता तो लाइन की इक्वेशन हो जाती x इक्वल्स टू 1, पर ऐसा ऑप्शन में है नहीं, इसीलिए आपके जो दो पॉसिबल केसेस आएंगे इस क्वेश्चन में वो दोनों यही आएंगे। अभी हम कोई सा भी एक केस लेकर चलते हैं, क्योंकि एक अगर केस की इक्वेशन आ जाती है तो दूसरे केस की ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं। तो अभी मैं रेड लाइन का केस मान लेता हूँ, इसको आप मान लीजिए रेड लाइन को एल। अब इसकी अपन इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। देखिए, रेड लाइन जो है वो 0,0 से कुछ डिस्टेंस पे है। अब रेड लाइन की इक्वेशन में लिख लेता हूँ, लेट द इक्वेशन प्लस सी, ऐसा मैं कर सकता हूँ। अब ये कहाँ से पास हो रही है, 1,0 से। यहाँ पे आपका y 0 हो गया और x 1 हो गया, तो आपका m कितना आ गया, माइनस सी, और c कितना आ गया, माइनस m। तो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गई, y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एम, ये ऐसा हो गया। अब इस लाइन को आप देखिए, एम एक्स माइनस वाई माइनस एम इज इक्वल्स टू 0, ये आपके ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है, जहाँ पे आपका a है m। तो आप इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए, डिस्टेंस आपको दे रखा है √3/2, तो √3/2 डिस्टेंस इज इक्वल्स टू a, तो m इंटू ओरिजिन है तो 0, फिर माइनस 1 इंटू 0 माइनस m अपॉन अंडर रूट a, मतलब m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1, b था जो आपका। इसको आपने जब सॉल्व किया तो ऐसा मिल गया। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए आप, स्क्वायरिंग जाएगा 3/4 इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1, मॉड ऑफ माइनस एम था तो उसकी जो भी वैल्यू आती है अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो पॉजिटिव ही होगी। ये आपको मिला 3m² + 3 इज इक्वल्स टू 4m², तो m² इज इक्वल्स टू 3, तो m इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस ऑफ √3, ये आपका m आ गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लीजिए आप, आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एम, ऐसा आपका आया था। यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर दीजिए, नाउ एज y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एम, तो केस वन में आपने m को √3 लिया तो ये कितना हो गया, y इज इक्वल्स टू √3x - √3, और √3x - y - √3 इज इक्वल्स टू 0। उसी तरह केस टू में y इज इक्वल्स टू -√3x + √3, तो √3x + y - √3 इज इक्वल्स टू 0। ये दो केसेस बन गए आपके, देख लीजिए, √3x - y - √3 इज इक्वल्स टू 0, √3x + y - √3 इज इक्वल्स टू 0, आपका ऑप्शन नंबर ए, ये आपका आंसर है। 31, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी 1 एंड y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी 2 इज, ये दोनों पैरेलल लाइन्स है, इसका डिस्टेंस फार्मूला आपने NCERT में पढ़ाई है, वो होता है मोड ऑफ सी 1
माइनस सी टू अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस वन, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। ये तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 32, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द पॉइंट 2,3 ऑन द लाइन y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4 इज गिवन बाय। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, आपकी लाइन जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4, इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर बन रहा है 2,3 से, उसका फुट मतलब जहाँ पे ये एंड हो रहा है, जहाँ पे इस लाइन से ये इंटरसेक्ट कर रहा है, उससे कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। इसको आप मान लीजिए P। तो इस P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं ये आपको बताना है। आप क्या कर सकते हैं, इसको आप नाम दे दीजिए ऊपर A, और इस लाइन को आप नाम दे दीजिए L, है ना। अब आप देखिए AP और आपकी जो लाइन L है ये परपेंडिकुलर है, या एक काम कीजिए इसको है ना आप नाम दे दीजिए PQ। तो PQ जो सेगमेंट है वो इसी लाइन पे आ रहा है, तो AP और PQ ये दोनों सेगमेंट क्या है, परपेंडिकुलर है। हियर एस ए पी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, तो स्लोप ऑफ एम ए पी इंटू स्लोप ऑफ एम पी क्यू इज इक्वल्स टू माइनस वन, ऐसा हो जाएगा। अब आप क्यू का पी क्यू का स्लोप देख लीजिए क्या होगा। हियर एम पी क्यू इज इक्वल्स टू, ये आपको लाइन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में ही दे रखी है, तो आपका स्लोप कितना आ गया 3, तो ये आपका हो गया 3। अब एम ए पी क्या हो जाएगा आपका, एम ए पी इज इक्वल्स टू माइनस 1/3। आपने जब यहाँ पे पुट किया तो ये माइनस 1/3 मिल गया। अब आप ए पी की इक्वेशन निकाल लीजिए, तो इक्वेशन ऑफ ए पी ये क्या हो जाएगी आपकी, y माइनस 3 अपॉन x माइनस 2, क्योंकि इस पॉइंट से पास हो रही है ये 2,3 से, इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए पी माइनस 1/3। इसको आपने सॉल्व किया तो 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2, तो आपको ये मिल गई x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन जो आई है इसको आप सॉल्व कर लीजिए लाइन की, तो उससे आपके पी के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1 पी क्यू वाली को, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लिख देता हूँ मैं, 3x माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 4। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ये ए पी और ये पी क्यू, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। ऊपर 1 में आपने 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 33, नीचे वाली को ऐसे रहने दीजिए, यहाँ ऊपर लिख दीजिए कि अपन 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस पूरे में, माइनस वाई माइनस 4, दोनों को माइनस किया तो ये आपको मिल जाएगा 10y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 37, तो आपका y आ गया 37/10। इसको आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फर्स्ट या सेकंड, सेकंड में कर दीजिए पुट, सब्स्टिट्यूटिंग इन सेकंड वैल्यू ऑफ y, तो आपको ये मिल जाएगा 3x माइनस 37/10 इज इक्वल्स टू माइनस 4। यहाँ लिखे गए तो 37/10 माइनस 4, तो 3x इज इक्वल्स टू 37 में से 40 गए माइनस का, तो माइनस 3/10, तो आपका x आ गया माइनस 1/10, x माइनस 1/10 और y 37/10, तो माइनस 1/10 37/10, ये आपका आंसर है बी। 33, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ अ लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस इज 3,2, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी। यहाँ पे आपको ये बोल रहे हैं कि आपकी लाइन एल, इसका ये जो पोर्शन है इसको मान लीजिए आप ए बी, जिसका मिड पॉइंट है 3,2, यहाँ पे ये आपका है x एक्सिस और ये y एक्सिस, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों आ रहा है, क्योंकि 3,2 है मतलब पॉजिटिव है। तो आपको क्या करना है, इसकी इक्वेशन निकालनी है लाइन की l की। अब क्योंकि जो आपका 3,2 मिड पॉइंट है, तो आप a और b के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। a कहाँ पर आ रहा है आपका, ये क्या है आपका x इंटरसेप्ट,
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स के टर्म्स में आएगा, वाई जीरो होता है एक्स एक्सिस पे, तो उसको आप मान लीजिए एक्स कॉमा जीरो, और इसको उसी तरह से आप मान लीजिए जीरो कॉमा वाई, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है। अब थ्री मिड पॉइंट है, सिंस थ्री कॉमा टू इज द मिड पॉइंट, ए कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके, एक्स प्लस जीरो बाय टू इज इक्वल टू थ्री, तो एक्स इज इक्वल टू सिक्स, तो ये आपका कितना आ गया, सिक्स कॉमा जीरो यहाँ पे। और आपका वाई कितना हो जाएगा, सिमिलरली वाई प्लस जीरो बाय टू इज इक्वल टू टू, तो वाई आपका हो गया फोर, तो जीरो कॉमा फोर, ये आपके ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इस लाइन की इक्वेशन आप निकाल लीजिए। नाउ इक्वेशन ऑफ एल, या फिर सेगमेंट ए बी, बात एक ही है, वाई माइनस जो आपको पॉइंट अच्छा लगे वो ले लीजिए, आपको ए लेना है तो ए ले लीजिए, बी लेना है तो बी ले लीजिए, तो मैं ले लेता हूँ ए, तो वाई माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस सिक्स, ठीक है, यहाँ लिख देना आप कि अपन ने ए पॉइंट लिया है, किसके लिए लिया है, वाई वन और एक्स वन के लिए, इज इक्वल्स टू इसका स्लोप, तो जीरो माइनस फोर अपॉन सिक्स माइनस जीरो, अगर आप एक्स वन वाई वन ए पॉइंट को ले रहे हैं तो एक्स टू वाई टू आपको बी पॉइंट को लेना पड़ेगा, तो आपका एक्स टू फोर और वाई टू, सॉरी आपका एक्स टू जीरो और वाई टू फोर, ये आपको मिल गया सिक्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस फोर एक्स प्लस 24, इसको आपने सॉल्व किया तो फोर एक्स प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू 24, इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 12, ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 12, ऑप्शन नंबर ए ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 कॉमा 2 एंड पैरेलल टू द लाइन वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 1 इज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, वो आपसे क्या बोल रहे हैं कि एक लाइन जो कि 1 कॉमा 2 से पास हो रही है वो इस लाइन के पैरेलल है, वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 1, तो पहले आप लिख दीजिए गिवन द लाइन एल कर दीजिए से पासिंग थ्रू, अब क्योंकि इसके पैरेलल है तो उसका स्लोप इक्वल होगा, तो एम एल इज इक्वल्स टू इसका आप स्लोप मान लीजिए एम, क्योंकि लाइंस पैरेलल है। अब देख लीजिए यहाँ पे एम कितना आ रहा है, एम आपका थ्री आ रहा है क्योंकि वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा है, तो आपका एम एल भी कितना आ गया, थ्री आ गया। अब इक्वेशन ऑफ एल आप निकाल लीजिए, एल किससे पास हो रही है, वन कॉमा टू से, तो y माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, इसको आपने सॉल्व किया तो y माइनस टू इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस थ्री, वाई माइनस टू थ्री कॉमन एक्स माइनस वन, तो y माइनस टू इज इक्वल टू थ्री इंटू एक्स माइनस वन, ऑप्शन नंबर सी ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, इक्वेशंस ऑफ डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर फाउंड बाय द लाइन्स एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू वन एंड वाई इज इक्वल टू वन आर, इसका हम पहले एक रफ ग्राफ बना लेते हैं। आपको ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा। अब इसमें आप देखिए आपके पास चार लाइन्स हैं, एक आपकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये दो लाइन्स, इन दोनों की इक्वेशन क्या है, यहाँ पे वन कॉमा जीरो है, तो ये लाइन की इक्वेशन हो गई आपकी एक्स इज इक्वल्स टू वन, ये वाली लाइन। दूसरी यहाँ पर है जीरो कॉमा वन, तो ये हो गई वाई इज इक्वल्स टू वन, ये इक्वेशन। इन चारों लाइन से अब एक्स इक्वल्स टू जीरो मतलब क्या है, ये वाई एक्सिस, ये आपका एक्स इक्वल्स टू जीरो भी है, ऐसा भी कह सकते हो आप इसको, क्योंकि वाई एक्सिस पे हर जगह एक्स की वैल्यू जीरो ही होती है, उसी तरह ये y इज इक्वल्स टू जीरो, एक्स एक्सिस पे हर जगह y की वैल्यू जीरो होती है ना। इन चारों लाइन से आपका क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है। अब स्क्वायर का आप नाम दे दीजिए, यहाँ पे ओरिजिन का O, हाँ ओरिजिन के भी कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए, जीरो कॉमा जीरो, ओ ए बी सी,
इस स्क्वायर के डायगोनल की इक्वेशन आपको निकालना है। अब ये स्क्वायर क्यों होगा ये भी आप समझ लीजिए, जीरो से लेके ए तक का डिस्टेंस कितना है वन, अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो जीरो माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस जीरो का होल स्क्वायर इसका अंडर रूट, तो ये वन ही आएगा, उसी तरह ये भी वन ही आएगा। क्यों? क्योंकि बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए आपके वन कॉमा वन, तो वन माइनस वन का होल स्क्वायर मतलब जीरो, वन माइनस जीरो का होल स्क्वायर मतलब वन, इसका अंडर रूट मतलब वन। ये कर नहीं रहा हूँ मैं, आपको बता दिया फिर भी ज़रूरत नहीं है इसकी, तो ये आपका स्क्वायर हो गया। अब इसका डायगोनल, डायगोनल मतलब क्या है ओ बी, ओ बी को आप ज्वाइन कर दीजिए। अब आपको ओ बी की इक्वेशन निकालना है तो ओ बी यहाँ बना लीजिए आप शॉर्ट में, ये आपका ओ था जो कि जीरो कॉमा जीरो था और आपका जो बी है ये वन कॉमा वन है, बहुत ही सिंपल हो गया। इसकी इक्वेशन निकाल लीजिए आप, यहाँ पे कोई सा पॉइंट मान लीजिए एक्स कॉमा वाई, तो इसकी इक्वेशन हो गई वाई माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू वन माइनस जीरो अपॉन वन माइनस जीरो, ठीक है। ये वाई एक्स वन वाई वन और ये जीरो जीरो एक्स टू वाई टू, तो वाई माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये आपका आ गया वाई माइनस वन इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन। इसको जब आपने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू जीरो या एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ये आपकी हो गई इक्वेशन ऑफ ओ बी। ये पहला डायगोनल था, अब दूसरा डायगोनल देख लीजिए आप क्या है इसमें, आपका ए सी, इसको ज्वाइन कर लीजिए, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है पर ठीक है आप समझ जाइएगा। अब ए सी के क्या हैं कोऑर्डिनेट्स, आपका ए है कितना वन कॉमा जीरो और सी जीरो कॉमा वन, ये अब इसकी इक्वेशन निकाल लीजिए आप, तो वाई माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू वन माइनस जीरो अपॉन जीरो माइनस वन, ये हो गई। इसको आपने सॉल्व किया तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू वन, एक आपकी इक्वेशन आ गई एक्स इज इक्वल्स टू वाई और दूसरी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू वन। अब आप चेक कर लीजिए कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर ए, y इज इक्वल्स टू एक्स और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वन, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, फॉर स्पेसिफाइंग अ स्ट्रेट लाइन हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स शुड बी नोन। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले लाइंस के कितने फॉर्म्स होते हैं उसे हम लिख लेते हैं। पहले सबसे जनरल फॉर्म जो होता है लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उसको लिख लेते हैं। ये आपका होता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें आपका ये हो जाता है स्लोप और ये इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। अब नाम से क्लियर है स्लोप इंटरसेप्ट, यहाँ पे दो पैरामीटर हो ही गए, एक ये और एक ये, तो यहाँ पे दो पैरामीटर्स मिल गए आपको। दूसरा फिर आप लिख लीजिए इसका इंटरसेप्ट फॉर्म, वो होता है आपका x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल्स टू वन, ये दोनों इंटरसेप्ट्स आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे भी कितने पैरामीटर्स हो गए, दो पैरामीटर्स, ठीक है। उसके बाद आपका पॉइंट फॉर्म होता है जिसको आप वन पॉइंट फॉर्म भी कह सकते हैं, ये आपका होता है y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू एम। इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो m स्लोप और एक्स वन कॉमा वाई वन, ये जो कोऑर्डिनेट है किसी पॉइंट के p वगैरह जो भी आप लेना चाहें वो, तो यहाँ पे भी दो पैरामीटर्स हो गए। और एक लास्ट आपका जो नॉर्मल फॉर्म होता है वो ये क्या होता है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल्स टू p। इसमें आपको ओमेगा एंगल पता होना चाहिए और p परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो इसमें भी दो पैरामीटर्स हो गए। तो हर केस में कम से कम दो पैरामीटर्स तो आ ही रहे हैं, तो इसका आंसर क्या है b। क्वेश्चन नंबर 37, द पॉइंट 4,1 अंडरगोज द फॉलोइंग टू सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशंस। फर्स्ट रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y इज इक्वल्स टू x, सेकेंड ट्रांसलेशन थ्रू अ डिस्टेंस टू यूनिट्स अलॉन्ग द पॉजिटिव x एक्सिस,
देन द फाइनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर। ये क्वेश्चन जितना बड़ा है उससे छोटा इसका आंसर है। देखिए आपके पास क्या है, एक पॉइंट है पी मान लीजिए इसको 4,1। पहले क्या हुआ इसका फर्स्ट केस में, रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स, मतलब जहाँ पे एक्स था वहाँ पे वाई आ गया, जहाँ पे वाई था वहाँ पे एक्स आ गया, तो ये आपको मिल गया 1,4। अब इस 1,4 में इन्होंने आगे क्या किया, ट्रांसलेशन थ्रू अ डिस्टेंस 2 यूनिट्स अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ इसको 2 यूनिट बढ़ा दिया, और वो भी कहाँ बढ़ा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो 1 में +2 हो गया और ये 4 एज इट इज, तो 3,4 ये आपका फाइनल पॉइंट आ गया। ये इन्होंने पूछा था 3,4, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइन्स 4x + 3y + 10 इज इक्वल टू 0, 5x - 12y + 26 इज इक्वल टू 0 एंड 7x + 24y - 50 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हिट एंड ट्राई वाला है। पहले आप क्या कीजिए, जो ये आपसे बोल रहे हैं कि एक पॉइंट P जो कि इन तीनों लाइन से इक्विडिस्टेंट है उसका डिस्टेंस निकाल लीजिए। पहली लाइन आपकी क्या है, 4x + 3y + 10 इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट का डिस्टेंस आप मान लीजिए ये d1, तो ये d1 आपका हो जाएगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप मान सकते हैं x1 y1, तो d1 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 4x1 + 3y1 + 10 अपॉन √a² + b² तो 4² + 3² ये आपको मिल गया। तो मॉड ऑफ 4x1 + 3y1 + 10 अपॉन 5 ये आपका d1 आ गया। अब उसी तरह से ये जो पॉइंट है ये बाकी की दो लाइंस 5x - 12y + 26 और 7x + 24y - 50 से भी उतनी ही दूरी पे है जितना कि ये 4x + 3y + 10 से दूरी पे है, मतलब d1। और यहाँ से अगर मैं मान लेता हूँ इसके लिए d2, इसके लिए d3, तो ये तीनों वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब d2 भी आप निकाल लीजिए इसी तरह से, तो आपका d2 हो जाएगा, सिमिलरली ऐसा कर दीजिए आप। अब इसका डायग्राम बना नहीं रहा हूँ मैं, आप समझ जाइएगा, मॉड ऑफ 12² - 12 था तो प्लस हो जाएगा, तो मॉड ऑफ 5x1 - 12y1 + 26 अपॉन 13, 144 + 25 = 169 हो गया। आपका d3 यहाँ पर लिख दीजिए एंड d3 इज इक्वल्स टू 24². अब 7² = 49 24² = 576, तो 576 + 49 = 625 625 का अंडर रूट मतलब 25 ये आपको मिल गया। मोड ऑफ 7x1 + 24y1 - 50 अपॉन 25। अब इन तीनों को आप इक्वेशन दे दीजिए। ये थी आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड -50 / 25। अब आप सारे ऑप्शन रख के इसमें चेक कर लीजिए। जैसे आप 0,0 रख रहे हैं तो फॉर 0,0 ये आपको क्या मिल रहा है, 10 / 5 = 26 / 13 = 50/25, क्योंकि -50 था तो प्लस हो जाएगा। सब जगह आपको 2,2 मिल रहा है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है, तो 0,0 के लिए ये सारी की सारी लाइंस एक पर्टिकुलर पॉइंट पी से इक्विडिस्टेंट है, तो आपका आंसर हो गया 0,0, ऑप्शन नंबर सी।